हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको 15 × 10 के आयत में एक सुंदर सा आलेखन बनाना बताने जा रहे हैं, जिसमें गुलाब का फूल और तितली हम आपको बनाकर दिखाएंगे। आप भी अपनी ड्राइंग शीट में हमारे साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। इसके नाप के लिए ये देखिए, ये हमने 10 सेंटीमीटर की रेखा बना ली है। इधर की नाप हम लेंगे 10 सेंटीमीटर की ये रेखा, और इधर की ये नाप ले लेंगे हम 15 सेंटीमीटर की। इधर भी हम 10 सेंटीमीटर की रेखा लेंगे और ये आपकी 15 सेंटीमीटर की, 15 × 10 की आयत में आप जाको हम सुंदर सा आलेखन बनाकर दिखा रहे हैं। आज हम आपको इसमें गुलाब का फूल बनाकर दिखाएंगे। देखिए, यहाँ से इस लाइन को हम डबल कर देंगे। इसी में हम छोटी सी आपको तितली बनाकर दिखा रहे हैं। देखिए, हमने एक आपको इसमें तितली बनाकर दिखाई है। ये जो लाइन्स है हमारी पत्तियों की, उनको हम इरेज कर लेंगे। देखिए, फूल पे बैठी हुई हमने आज आपको इसमें तितली बनाकर दिखा रहे हैं। सारी लाइन्स को इरेज करने के बाद हम इसके पंख हम क्लियर करके आपको तितली के दिखा रहे हैं। ये देखिए, यहाँ से इसमें अलंकार निकाल देंगे। पत्तियों में छोटे छोटे से अलंकार से भरा हुआ ही हमारा आलेखन रहेगा। यहाँ पर हमारे गुलाब की पत्तियां आ जाएंगे। सारी आउटलाइंस में हम डबल पत्तियों में लाइंस देंगे। ये देखिए, इसी तरह हमारी यहाँ भी एक छोटी सी गुलाब की पत्ती रहेगी। गुलाब की पत्ती को देखिए ध्यान से, हमने कटिंगदार ही बनाए हैं। ये पत्तियाँ इसकी इसी तरह ही रहती हैं। यहाँ पर भी हम अलंकार बना देंगे उसी तरह। यहाँ पर भी एक छोटी सी कली हम आपको
यहाँ पर गुलाब के बनाकर दिखा रहे हैं। इस तरह की जो भी लाइन्स आएंगी उनको हम इरेज कर देंगे। देखिए हमने गुलाब की एक छोटी सी कली आपको यहाँ पर बनाकर दिखाई है। इस तरह की जितनी भी लाइन थी हमने इसको इरेज कर दिया है। अब इसकी आकृति हम पूरी क्लियर करके आपको दिखा रही हूँ। लाइंस को हमने बराबर से कर दिए। छोटे छोटे अलंकार से देखिए आलेखन को हम भरा हुआ ही बनाएंगे। यहाँ पर हम गुलाब की पत्तियां निकाल के दिखा रहे हैं आपको। स्ट्रक की जो भी लाइंस होंगी उनको हम इरेज कर लेंगे। इसी तरह इंद्रा भी, और यहाँ पर भी हम एक पत्ती आपको निकाल के गुलाब के पास से दिखा रहे हैं। ये सारी लाइंस हमने आपको पत्ती के भी डबल में ही करके दिखाई हैं। छोटा सा हम अलंकारिक आलेखन बना दे रहे हैं। पूरा आलेखन हमारा भरा हुआ ही बनेगा। इसी तरह यहाँ पर भी देखो हम डबल में कर दे रहे हैं। ये आपका 15 घुड़ते दस के आयत में एक सुंदर सा आलेखन बनकर तैयार हो गया। यहाँ पर लिख देंगे हम आलेखन कला। ये पूरा चित्र एक नाप से ही बनकर तैयार हुआ है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जिससे इसी तरह की और वीडियो हम आपके लिए बनाते रहें।